हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। हम सभी जानते हैं कि आज हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अगर बढ़िया होगी तो बीमारी हमें छू भी नहीं पाएगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा जो कि 100% हेल्दी है, हर्बल है और आयुर्वेदिक है। इससे गले की सारी परेशानियाँ, जैसे गला गड़ रहा है, अगर आपका सर्दी है, जुकाम है, खराश है, बहुत ज़्यादा बलगम फॉर्म हो रहा है, कफ फॉर्म हो रहा है, कि बॉडी में काफ़ी पेन है, उसको भी हील अप करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है, इम्यूनिटी देगा और वायरस से लड़ने में आपकी मदद करेगा। सबसे अच्छी बात है कि आजकल हम सभी काढ़े को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसका एक पाउडर फॉर्म बना लेंगे और उस पाउडर फॉर्म की जो शेल्फ लाइफ है वो करीब 1 से 2 महीने की है। मतलब बाजार जाकर के या बाजार के जो काढ़े के पाउडर रहते हैं उनको अब आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे बचने वाले हैं। और पूरे परिवार के लिए एक अच्छी सी हेल्दी ड्रिंक आप अपने घर में खुद से बना के तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि हमारे किचन में ही हमारे घर की सेहत का खजाना छुपा होता है। बस जरूरत क्या होती है कि हमें क्या चीज लेना है, कितना लेना है और उसको बनाना कैसे है। आइए तो देखते हैं इस काढ़े को बनाने के लिए हमें किस किस मसालों की जरूरत है। इसके लिए हमने 2 बड़ी इलायची लिया है, 10 से 12 हमने छोटी इलायचियाँ लिया है, 1 बड़ा हमने जायफल लिया है जिसको आगे अभी हम क्रश कर लेंगे, 1 बड़ा चम्मच हमने काली मिर्च ली है, 1 छोटा चम्मच हमने चक्रफूल लिया है, 2 बड़ा चम्मच हम दालचीनी लेंगे, 1 बड़ी चम्मच हम इसमें लौंग लेंगे। साथ में हम जब चाय बनाएंगे या काढ़ा बनाएंगे उसके लिए हम ये तुलसी की पत्ती लेंगे और ये क्रश किया हुआ 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक लिया है। हम इसमें लेंगे गुड़, चीनी की जगह हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप बहुत आराम से इसमें गुड़ का सेवन कर सकते हैं। जो तासीर होती है वो कफ को फाड़ने वाली होती है, मतलब खांसी जुकाम में ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चीनी की जगह आप इसको कोशिश करिए आप गुड़ डालिए। और आप चाहो जिसको शुगर है वो ये गुड़ नहीं खा सकता तो वो अपने चाय में इस नमक का यूज़ करेगा। मसालों को हल्का सा हम कढ़ाई में भून के करके इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। हमने इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत अच्छा फाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया है। इस मसाले की शेल्फ लाइफ बहुत आराम से 1 से 2 महीने है। मीन्स आप एक बार अगर आप इसको आराम से बनाते हैं तो आप इसको 1 से 2 महीने आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं, आपको इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस काढ़े को हमें कैसे बनाना है। हमने सबसे पहले 1 कप पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। बॉयल होने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, साथ ही साथ हम उसमें ये क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे जो कि 1 बड़ा चम्मच है, ये तुलसी डाल देंगे जो कि 8 से 10 पत्तियां हैं और 1 बड़ा टुकड़ा हम इसमें गुड़ डाल देंगे। चीनी की जगह गुड़ ही यूज़ कीजिए। और जो हमने ये मसाला पीसा है इस मसाले का ये 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से ऐसे ऐसे मिक्स कर देंगे कि गुड़ हमारा इसी में और जितने भी मसाले हमने डाले हैं सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको अच्छे से हमें 5 से 6 खोल तक खोलाना है जिससे जो भी चीज़ हम लोगों ने डाला है उन सब का अर्क इसमें अच्छे से आ जाए। तो जब अच्छे से ये बॉईल हो गई तो मैंने उसको जैसा हम चाय स्ट्रेन आउट करते हैं वैसे ही हमने इसको 1 कप में स्ट्रेन कर लिया। और इसे आप कम से कम दिन में 3 से 4 बार आराम से पी सकते हैं जैसे कि हम चाय कॉफ़ी पीते हैं। आप घर में बड़ों से लेके बच्चों तक को आप ये दे सकते हैं कि किसी को भी नुकसान नहीं करेगी। 1 कप की क्वांटिटी सफिशिएंट है 1 पर्सन के लिए। और जैसे हम नॉर्मली चाय को सिप करते हैं वैसे ही हमें इसको सिप करके गरम गरम हमें धीरे धीरे पीना है। बहुत ही 100% इफेक्टिव है, खांसी जुकाम इन सब में तो बहुत ही अच्छा है। इन केस आपको है तो भी ये रिलीफ पहुंचाएगा और नहीं है तो आपको ये होने नहीं देगा जल्दी। ये टिप कैसा लगा, आपको कितना फ़ायदेमंद रहा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।